हेलो दोस्तों, लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज इसको बना के हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोरल ड्रा को ओपन करेंगे। इसके बाद में हम न्यू फाइल लेंगे और यहाँ पे हम फिट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 10 बाई 10 फिट का एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम ओके करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। इसके पहले हम यहाँ पे फिट इंच में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम बारह बाई बारह का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। उसके बाद में इंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद में ऐड प्रेस करेंगे यानी कि प्लस। इसके बाद में 6x6 यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अंदर चार खाना बनाएंगे तो इसके लिए हम प्लस प्रेस करके और यहाँ पे हम 6x6 का स्क्वायर लेंगे। इसके बाद में इंटर करेंगे और इसको पूरे को सेलेक्ट करके एल प्रेस करेंगे और टी प्रेस करेंगे तो ये ऊपर हो गया। एल का मतलब है लेफ्ट और टी का मतलब है टॉप में, कॉर्नर में सेट हो जाएगा। इसके बाद में इसको हम कॉपी करेंगे और इधर मूव करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद कंट्रोल और इसको यहाँ पे पकड़ के ड्रैग करेंगे और ड्रैग के साथ में करने के बाद उसको प्रेस किए हुए भी अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से पकड़ कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पकड़ेंगे और राइट क्लिक कर देंगे एक साथ में। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक करेंगे ड्रैग, यानी कि दोनों स्विच माउस का एक साथ में प्रेस होना चाहिए। ड्रैग करने के साथ इसको छोड़ेंगे, उसी साथ में इसको राइट प्रेस करेंगे तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे पॉइंट कर्व लेंगे, ये रहा। इसको यहाँ पे क्लिक करके प्रेस करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे और इसके बाद में जैसा चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे बना लेंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। इसके बाद इस तरह से अपने इच्छा अनुसार इसको बनाएंगे और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके छोड़ेंगे तो इस तरह से दोनों साइड में एडजस्ट करने के लिए आएगा। इसको पकड़ के थोड़ा इस तरह से जैसा हमको फिट है कर लेंगे और इसको प्रेस करेंगे। अब शिफ्ट प्रेस करके इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। अब ये दोनों ज्वाइंट हो गया। अब इसको हम इधर मूव करके देख लेंगे। देखिए, ये ज्वाइंट हो चुका है। कंट्रोल जेड करते हैं और इसके बाद में कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद में इसको इधर मूव करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे यहाँ पे, ये इस तरह करेंगे और राइट प्रेस कर देंगे तो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद में इसको शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे तो ये बन जाएगा इस तरह। अब दोस्तों, एक हम बनाएंगे स्क्वायर 12 बाई 12 का, तो फिर रेक्टेंगल में जाते हैं और 12 बाई 12 का एक रेक्टेंगल बनाते हैं स्क्वायर और उसके बाद में इंटर करते हैं और इसके बाद में हम फिर यहाँ पे फिट करेंगे क्योंकि हमको अभी फिट में चाहिए
8 बाई 4 का बनाना है तो हम फीट में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में फिर हम इसको आगे करेंगे। तो यहाँ फिर सेलेक्ट किया है यहाँ पे, अब इसके रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे 8 बाई 4 बाई 8 इंटर करेंगे। देखिए बहुत ऊपर हो गया, तो इसको क्या करेंगे, पर इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को और नीचे ड्रैग कर लेंगे। बी कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और एल प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। बी का मतलब बॉटम, एल का मतलब लेफ्ट। इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके इसको यहां से इधर ड्रैग करेंगे, ये यहां पे। उसके बाद कंट्रोल आर आर प्रेस करते जाएंगे, फुल हो जाएगा। इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके इसको ऊपर की साइड में ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे, पेस्ट हो गया। कंट्रोल आर आर प्रेस करेंगे और ये पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इसको बाहरी वाला खाने को डिलीट कर देंगे, नहीं तो हम इसको ऊपर कर देंगे। चलिए हम इसको ऊपर ही कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे इस तरह से, और इसको भी उसी तरह ड्रैग करके ऊपर कर लेंगे। कंट्रोल प्रेस करिए और ऊपर राइट क्लिक, ओके। इसके बाद में इसको हम निकाल देंगे बाहर और इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे, कंबाइंड कर लेंगे। ये हमारा कंबाइंड का स्विच है, कंबाइंड कर देंगे कंट्रोल एल, इसको ये हम ज्वाइंट कर लेंगे। इसको जरूरत नहीं है, इसको हम पहले इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाएंगे कंट्रोल ई, इसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट और ए, ऑटो कैड डीएफएसएल में हमारा सपोर्ट करता है ऑटो कैड, इसके लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट ओनली पॉइंट पे करेंगे, तो जो पॉइंट हम सेलेक्ट किया रहेंगे उसी पे जाएगा, बस वही जाएगा। तो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं डेस्कटॉप पे 2 नंबर फाइल से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2008 और 13 के बीच का ये हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कर और इस तरह से रहेगा, ओके ओके। अब इसको हम बंद करते हैं और आर्ट कैम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे न्यू मॉडल पे जाएंगे और यहाँ पे 12x12 का इंचेस में हम लेंगे इसको, और इसके बाद रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लेंगे अपना। इसके बाद हम एमएम कर लेंगे, देखिए एमएम करने के बाद में ओके प्रेस करेंगे, इस तरह से हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम वेक्टर में जाएंगे और इंपोर्ट पे जाएंगे, और इसके बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे, जो फाइल हमने सेव की थी वन नंबर को ओपन करेंगे, ये रही वन, ये ओपन। इसके बाद में ये एमएम सेंटर इन पेज और ऑटोमेटिकली पे ओके करेंगे। देखिए हमारा पूरा बराबर साइज में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये और ये, यहाँ पे हम इसको वर्टिकली 2 पार्ट में कर लेते हैं, और इसको हम टॉप पे कर लेते हैं इसको, ओके। इसको हम 0.1 का इस पे मटेरियल रखेंगे, जिससे कि हमारा
नीचे से सपोर्ट बना रहेगा 0.1, और इसके बाद में ऐड कर देंगे, बस अप्लाई कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और इसको अब हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब सेलेक्ट करेंगे इसको, इसको और इसको, और इसके बाद में हम मॉडल में जाएंगे और शेप में, और इसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे हमने भी 10 mm दे रहे हैं, 10 mm बना रहे हैं। इसके बाद में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइम लगेगा, हमने स्किप किया वीडियो, तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। और इसके बाद में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको और इसको और इसको, और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, सेल टू हाइट 10 mm, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके बाद क्लोज कर देंगे इसको। देखिए इस तरीके से कुछ आएगा हमारा, तो इसको अब हम रिलीफ में सेव करेंगे यहाँ पे। ओके, और हम यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे आराम से, और सेव। अब हम न्यू फाइल ओपन करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे फिर इंचेस में करेंगे, और यहाँ पे हम 96 लिखेंगे, यहाँ पे 48 लिखेंगे, और इसके बाद में फिर हम एमएम में चेंज कर देंगे, तो हमारा एमएम में आ गया। इसके बाद एमएम नहीं चाहिए, तो इसके बाद इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेक्टर में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, 2 नंबर से सेव किया था, तो इसको ओपन करेंगे और ओके करेंगे। देखिए इस तरह से है। अब क्या करेंगे, विंडो वर्टिकली कर लेंगे। अब एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, तो 0.1 का इसमें हाइट देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक, हेड, इसके बाद में इसको डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे, रिलीफ को इसमें इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे और रिलीफ को ओपन करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, और डेस्कटॉप में हमारा ये नीचे RR1 जो है फाइल है, इसके नीचे ये, अब इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह से ओपन होकर आएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे ये शो कर रहा है रेड में, इसको हम फ्रंट पे कर लेंगे, तो हम साफ देख पाएंगे। इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में इसको पहले पेस्ट कर लेंगे, और इसके बाद में इसको 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 पेस्ट कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल, इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद सेंटर किया, इसके बाद पेस्ट, इस तरह से हम करते जाएंगे, कंट्रोल सेलेक्ट और सेंटर पेस्ट, इसको सेलेक्ट किया, इसको किया, पेस्ट किया, कंट्रोल पेस्ट करके इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको सेंटर और पेस्ट। देखिए गलत हो रहा है, तो हम इसको बड़ी सावधानी से करेंगे, उसके बाद सेंटर करेंगे, पेस्ट करते जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे सेंटर करेंगे,
पेस्ट। सेंटर पेस्ट सेलेक्ट किया, सेंटर किया और पेस्ट किया। ये इस तरह प्रॉब्लम आएगा तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे तो भी देंगे तो करेंगे इस तरह से। इसको भी करना पड़ेगा, ये नहीं होगा, देखिए ऊपर वाला हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे, पहले इसको पेस्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट हो गया, इसके बाद ये सेलेक्ट हो गया, इसके बाद सेंटर पेस्ट, इसके बाद इसको देखिए पूरा नहीं हो रहा तो इसको कंट्रोल पेस्ट करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे देखिए डबल कर दिया मैंने, तो इसको कंट्रोल जेड करेंगे और इसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल, इसको यहाँ पे सेंटर करेंगे, हमें पेस्ट करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आधा को पूरा पे यहाँ से देखिए यहाँ पे जाएंगे तो ये ऊपर कॉपी हो जाएंगे, यहाँ से ये राइट में साइड में के लिए है तो इसको ऊपर करना है, खींचेंगे और अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये पूरा पेस्ट हो गया और यहाँ पे अप्लाई किया है, क्लोज कर देंगे। ओके, इस तरह से हमारा हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन घंटे को दबाना बिल्कुल न भूलें।